कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं इस नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे मीजू जीरो की। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपके फोन में एक भी बटन नहीं है, मतलब फिजिकल बटन, और एक भी होल नहीं है ना चार्जिंग के लिए, ना ईयरफोन के लिए और ना ही स्पीकर्स के लिए, तो आपको क्या लगता है मतलब फोन कैसा होगा, कैसा लगेगा वो, कैसा दिखेगा वो फोन? सोचिए सोचिए। अच्छा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है मीजू का नया फोन मीजू जीरो। ये इस हफ्ते हेडलाइंस में है अपने अलग लुक और फीचर्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक इस फोन के बारे में और जानने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप देख रहे हैं टेक्सेज, मेरा नाम है अखिल। चलिए देखते हैं। दोस्तों अजीब और कमाल की बात यह है कि इस फोन में कोई होल नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि ये फोन वो सारे काम करता है जो कोई और स्मार्टफोन कर सकता है। इसमें कैमरा भी है, इसमें स्पीकर्स भी है और इसमें अनलॉक बटन भी है, पर ये सब उतना आसान नहीं है, थोड़ा हटके है, पेचीदा है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कोई पोर्ट नहीं है, इसलिए ये फोन सिर्फ वायरलेस चार्जिंग से ही चार्ज होता है। और इसे चार्ज करने के लिए सपोर्ट करता है 18 वोल्ट का वायरलेस चार्जर, जो कि इसे फास्ट चार्ज करता है। तो दोस्तों चार्जिंग की परेशानी तो दूर हो गई, और अगली परेशानी है हेडफोन्स की, क्योंकि इसमें कोई पोर्ट नहीं है, इसलिए ये सिर्फ वायरलेस हेडफोन्स के साथ ही काम करता है। तो अगर आपको आदत नहीं है तो अब आदत डाल लीजिए वायरलेस हेडफोन्स यूज करने की, क्योंकि इसमें तो वही काम करेंगे, पोर्ट तो है नहीं। दोस्तों अगर बात करें पावर और वॉल्यूम बटन की, तो इसमें आपको वर्चुअल प्रेशर बटन दिए गए हैं, क्योंकि काफी कुछ एप्पल के 3D टच की तरह काम करते हैं। तो अब टैप नहीं करना, सिर्फ दबाओ, और जानने के लिए हैप्टिक फीडबैक रहना कि बटन दबाया नहीं। दोस्तों इसके स्पीकर्स तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब है, जो साउंड क्रिएट करने के लिए स्क्रीन में वाइब्रेशंस बनाते हैं, जो काफी कुछ वीवो नेक्स की तरह काम करता है। तो ये तो दोस्तों लॉन्च के बाद ही पता चलेगा सुनने पर कि ये साउंड कैसी है और ये स्पीकर्स कैसे काम करते हैं। और दोस्तों इस फोन में सिम कार्ड स्लॉट भी नहीं है, पर धन्यवाद ई सिम का, जिसके जरिए आप इस फोन को यूज कर पाएंगे। पर दोस्तों इस सब झंझट के 3 बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला कि फोन दिखने में बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है डिजाइन के मामले में। दूसरा कंप्लीट वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि कोई होल ही नहीं है पानी जाने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी वायर या केबल की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोन यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि इसमें पोर्ट्स और बटन्स नहीं है, तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, जो कि काफी जरूरी भी है। तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर 8GB रैम के साथ, और इसमें आपको मिलता है 6 इंच का AMOLED डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और इसमें आपको मिलता है 20x12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और बाकी फ्लैगशिप फीचर। और दोस्तों सबसे परेशान करने वाली बात है वो है सेल्फी कैमरा, जो कि मुझे कहीं नहीं दिखा ना इसके फोटोज में ना ही इसके स्पेसिफिकेशन। हाँ दोस्तों इसके टॉप पर एक नो जरूर दिया गया है, पर उसमें मुझे कैमरा दिखा। तो दोस्तों ये था मीजू का नया जीरो। इस फोन में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया, क्या आप इस फोन को खरीदेंगे, और अगर आप इस फोन को खरीदेंगे तो कितने प्राइस तक खरीदेंगे, ये सब बातें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने यहाँ तक देख ही लिया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे वो रेड बटन दबाकर, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।